सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई आज का वीडियो होने वाला है OTT स्पेशल, बिकॉज आज के वीडियो में अपन मल्टीपल लाइक मूवीज के OTT एंड VOD रिलीज के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें नंबर 1 मूवी की, तो उसका नाम है OMG 2। अब देखो, इस मूवी से एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये मूवी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि ये लाइक सेकंड पार्ट है OMG मूवी का, जिसने पहले पार्ट में बहुत अच्छा कलेक्शन करा था। बट बिकॉज ऑफ कि इस मूवी के अंदर लाइक आप लोग को सेक्स एजुकेशन वाला टॉपिक देखने को मिलता है, एंड इसको ए रेटेड लाइक सर्टिफिकेशन मिला, तो इस वजह से लग रहा था कि कहीं अब इसकी वजह से ये जो मूवी है वो खराब बिजनेस ना करे, क्योंकि इसका एक तो क्लैश था गदर मूवी के साथ। लेकिन अभी करंटली ये मूवी थिएटर के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, क्योंकि इसकी स्टोरी ऑडियंस को पसंद आई है। सो जहां पहले OMG 2 हाइप नहीं बना पा रही थी, अब इस मूवी की इतनी हाइप बन चुकी है कि इसकी जो OTT रिलीज है वो बताया जा रहा है कि आप लोग को अपने टाइम से पहले देखने को नहीं मिलेगी। एंड इसका जो लाइक OTT पार्टनर है वो आप लोग को जियो सिनेमा देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों को थिएटर के अंदर मूवी के स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है। बात करें इसके OTT रिलीज की, तो बता जा रहा है कि ये जो मूवी है वो आप लोगों को अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ही जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल पाएगी। हालांकि जियो सिनेमा थोड़ा जल्दी भी मूवी को रिलीज कर देता है, बट इस मूवी के साथ वैसा कोई सीन मेरे को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जरा हटके जरा बचके को भी अभी तक रिलीज नहीं करा गया था, एंड उसके भी राइट्स आप लोग को जियो सिनेमा के पास ही देखने को मिलते हैं। तो उनकी जो खुद की मूवीज होती है उनको बहुत लेट रिलीज करते हैं, जब तक उसका पूरा रस निचुड़ ना जाए। तो ऐसे लग रहा है कि आप लोग को ओ माय गॉड 2 के साथ भी देखने को मिलेगा। सो बात करें नेक्स्ट मूवी की, तो उस मूवी का नाम है मैग 2। ये हॉलीवुड की मूवी है, एंड ये सेकंड पार्ट था इस मूवी फ्रेंचाइजी का, एंड ऑडियंस को सेकंड पार्ट भी काफी अच्छा लगा था। अब काफी सारी ऑडियंस है जो भाई इंडिया के अंदर इस मूवी को OTT पर रिलीज होने का वेट कर रही है, बट OTT से पहले आप लोग को इसका VOD प्रीमियर देखने को मिलेगा, एंड एक्सपेक्टेड है कि उधर आप लोग को इसकी हिंदी लैंग्वेज भी देखने को मिले। तो अभी करंटली मैग 2 मूवी का 12 सितंबर को VOD प्रीमियर रखा गया है। इस दिन आप लोग को ये जो मूवी है डिजिटली रिलीज होती हुई देखने को मिलेगी, एंड जितनी भी हॉलीवुड की मूवीज होती हैं वो भाई 10 से 20 दिन या फिर 25 दिन का टाइम लेती हैं अपने VOD से OTT के बीच में। तो आप लोग को OTT के लिए भी थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा। चांसेस हाई रहेंगे कि आप लोग को अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये जो मूवी है वो OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर भी देखने को मिल जाए। एंड मैग 2 जो है वो भाई डिस्ट्रीब्यूट करी गई है वार्नर ब्रोस के द्वारा, एंड आपको पता है कि उनका मर्जर जियो सिनेमा के साथ हो चुका है, एंड जियो सिनेमा पर रिसेंटली में काफी सारी हॉलीवुड की मूवीज अब रिलीज होना भी स्टार्ट हो गई है, जिसमें आप लोग को सुपर मारियो भी देखने को मिलती है। तो लग रहा है कि ये मूवी भी आप लोग को उधर जियो सिनेमा के ऊपर ही देखने को मिलेगी। सो बात करें थर्ड मूवी की, तो उसका नाम है एविल डेड राइज। इसका जो VOD प्रीमियर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत पहले ही हो चुका है, काफी सारे लोग इसके हिंदी में रिलीज होने का वेट कर रहे हैं। को बता जा रहा है कि जो भी डबिंग का प्रोसेस है वो सब कंप्लीट करने के बाद भी ये जो मूवी है वो आप लोग को सितंबर लास्ट से अक्टूबर तक ही देखने को मिलेगी, एंड उससे पहले इसके आने के चांसेस हिंदी लैंग्वेज में भी कम है। एंड इसका जो OTT पार्टनर है अभी करंटली तो जियो सिनेमा ही बता जा रहा है, क्योंकि इस मूवी को भी भाई वार्नर ब्रोस ने ही डिस्ट्रीब्यूट करा था। सो बात करें फोर्थ मूवी की, तो उसका नाम है ओपनहाइमर। अब देखो भाई, क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज पर शक नहीं करते हैं, एंड ये चीज हम लोग को बहुत पहले से ही पता है, एंड वही चीज हम लोग को देखने को भी मिली। इस मूवी ने लिटरली भाई बार्बी के साथ क्लैश होने के बावजूद भी आग रखी है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। एंड अभी अगर बात करें इसके VOD रिलीज की, तो बताया जा रहा है कि आप लोग को अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ही इसका जो VOD प्रीमियर है वो देखने को मिलेगा, एंड रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि उधर आप लोग को हिंदी लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी। एंड वहीं अगर बात करें इसके OTT रिलीज की, तो इसका जो OTT रिलीज है वो आप लोग को अक्टूबर के लास्ट से नवंबर के फर्स्ट वीक तक ही देखने को मिल पाएगा। एंड बात करें इस मूवी के OTT पार्टनर की, इसका जो OTT पार्टनर है वो आप लोग को जियो सिनेमा देखने को मिलता है, तो इससे आप लोग को यूनिवर्सल पिक्चर की मारियो मूवी देखने को मिली जियो सिनेमा पे, उसी पैटर्न पर आप लोग को ओपनहाइमर भी देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे जियो सिनेमा की भी भाई दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने यूनिवर्सल से लेके वार्नर ब्रोस तक एंड पता नहीं भाई कितने मल्टीपल स्टूडियोज के साथ डील कर रखी है कि जितनी भी नई मूवीज आ रही हैं वो ज्यादातर आप लोगों को अब इन फ्यूचर जियो सिनेमा पर ही अपना OTT रिलीज करती हुई देखने को मिलेंगी। सो बात करें फिफ्थ मूवी की, तो उसका नाम है बार्बी। बार्बी मूवी का अभी करंटली बताया जा रहा है कि आप लोग को सितंबर के अंदर VOD रिलीज देखने को मिलेगा, एंड ये आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस मूवी को हिंदी में रिलीज नहीं करा गया था। एंड बताया जा रहा है कि जब ये मूवी आप लोग को जियो सिनेमा पर देखने को मिलेगी, तब इसको हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज करा जाएगा, एंड डेफिनेटली इसका हिंदी डब आने में भी बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। क्या पता इस साल आप लोग को ये मूवी हिंदी में देखने को ही ना मिले, क्योंकि आप लोग को पता है कि एविल डेड राइज को अगर हिंदी डब करने में इतना टाइम लग रहा है, तो डेफिनेटली इस मूवी को भी अगर हिंदी में रिलीज करा जाएगा तो उसमें भी काफी लंबा टाइम लगेगा। तो अगर आप लोग भाई बार्बी मूवी को VOD में इंग्लिश में देखना चाहते हो, देन ये जो मूवी आप लोग को सितंबर के अंदर VOD रिलीज करती हुई देखने को मिल जाएगी। बट अगर आप लोग हिंदी में इसका OTT लाइक प्रीमियर देखना चाहते हो, देन अभी आप लोग को लंबा वेट करना पड़ेगा।
सो बात करें अब सिक्स्थ मूवी की, तो उसका नाम है भाई गदर 2। नॉस्टैल्जिया लेकर इसका सेकंड पार्ट आया। स्टोरी बहुत ज्यादा लाइक अच्छी नहीं थी, एकदम बेसिक आप लोग को स्टोरी लाइन देखने को मिलते हैं जिसको इजीली आप लोग प्रिडिक्ट कर लोगे। उन सब के बावजूद भी इस मूवी के शोज हाउसफुल जा रहे हैं, मतलब कि टिकट ही नहीं मिल रही है। एंड इस मूवी ने काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कर रखा है, बताया जा रहा है कि 200 से 300 करोड़ तो ये आराम से कर लेगी। दैट मीन्स कि इसका आप लोग को जो ओटीटी प्रीमियर है वो थोड़ा लेट ही देखने को मिलेगा। ओटीटी पार्टनर इस मूवी का G5 बताया जा रहा है। एंड अभी रिपोर्ट अकॉर्डिंग चले तो आप लोग को अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसका जो ओटीटी प्रीमियर है वो देखने को मिलेगा। उससे पहले इसके आने के चांसेस कम है, बट यस अगर इन फ्यूचर रिलीज में कोई चेंज होगा देन वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी करंटली भाई यही कुछ मूवीज हैं जिनके ओटीटी एंड वीओडी के ऊपर नई कंफर्मेशन मिली थी। कुछ मूवीज मेरे से डेफिनेटली मिस हुई होंगी तो उसको मैं आने वाले वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक कर देना। एंड यस एक चीज बताना मैं भूल गया, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का वीओडी प्रीमियर हो चुका है, तो अगर आप लोग उसको हिंदी में लाइक बाय फ्रेंड करना चाहते हो देन आप लोग उसको बाय फ्रेंड कर सकते हो, ऑप्शन आप लोग के लिए अवेलेबल हो गया है। तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मैं मिलता हूं आप लोग अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।